हेलो एंड वेलकम बैक टू कंपटीशन कम्युनिटी। आप सभी का स्वागत है कंपटीशन कम्युनिटी के यूट्यूब चैनल में। आप लोग देख रहे हैं एसएससी सीजीएल एंड सीएचएसएल का यूट्यूब कोर्स, जिसमें आज ये प्रैक्टिस सेशन पार्ट 4 है, जिसमें फिर से एक बार मैं सीएचएसएल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करूंगा, पूरे के पूरे 25 सवाल, ठीक है। तो प्रैक्टिस सेशन का डिजाइन कुछ इस तरीके से किया गया है, जिसमें कि आपके सीजीएल के दो मॉडल टेस्ट हमने डिस्कशन कर लिया है। ये सीएचएसएल का सेकेंड मॉडल टेस्ट है, सीएचएसएल 2020 टीयर 1, ठीक एक साल पहले जो पेपर हो चुका है, ठीक है। देखेंगे आप डेट तो 12 अप्रैल 2021 शिफ्ट 3 3 बजे से 4 बजे के बीच में जो सवाल आपके पूछे गए थे, 25 सवाल, उन सभी सवालों को मैं यहां पर आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो प्रैक्टिस सेशन का डिजाइन कैसे किया गया है, मैंने आपको पहले बताया था कि 4 सेट जो है हम प्रीवियस ईयर के डिस्कस करेंगे, जिसमें से 2 सेट आपके एसएससी सीजीएल के होंगे, 1 सेट एसएससी सीएचएसएल का हो चुका है, ये एक और सेट है एसएससी सीएचएसएल का। इसके बाद के जो प्रैक्टिस सेशन होंगे वो हमारे खुद के डिजाइन प्रैक्टिस सेशंस होंगे, ठीक है। तो आशा करता हूं कि ये जो प्रैक्टिस सेशन है, इसमें आपका जो है अप्रोच कि आपको एग्जाम को कैसे अटेम्प्ट करना है, ये आपका जो है सुधर रहा होगा। आप सीख रहे होंगे कि कैसे हम फटाफट विद इन 1 मिनट जिस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं उसको पहले कैसे टारगेट करें, जो 1 मिनट से ज्यादा समय लगता है उसको सेकेंड अटेम्प्ट में कैसे हम टारगेट करें, ये सारी चीजें आप सीख रहे होंगे। यही नहीं, आप जिस भी सोर्स से मॉक टेस्ट दे रहे हैं वहां पर आपके जो है स्कोर भी इंप्रूव हो रहे होंगे। चलिए इन्हीं कुछ बातों के साथ अब मैं स्टार्ट करता हूं आज के इस वीडियो सेशन को। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि बेस्ट क्वालिटी कंटेंट के साथ फ्री ऑफ कॉस्ट SSC CGL एंड CHSL का प्रिपरेशन आपको यहां पर कराया गया है। और अब आपके जो प्रिपरेशन है उसको एक नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए हमने यहां पर प्रैक्टिस सेशन भी आपके लोग के लिए रखा हुआ है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो सेशन को, ठीक है। तो इसमें पहला जो सवाल है डायरेक्टली 25 क्वेश्चंस जिस शिफ्ट से लिए गए हैं उसके डायरेक्ट क्वेश्चंस होंगे, तो आप भी मेरे साथ बनाते रहिए सवालों को। पहला सवाल दिया, प्रॉफिट अर्न आफ्टर सेलिंग एन आर्टिकल फॉर 8579 इज द सेम एज द लॉस इनकर्ड आफ्टर सेलिंग द आर्टिकल फॉर दिस मच, व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंट। देखिए आपको एक बात मैंने बताया है इस प्रकार के प्रश्न में कि जब भी किसी एक वस्तु को किसी दाम पर बेचने पर जितने का प्रॉफिट होता है और दूसरे वाले में जितने पर बेचने पर उसको जितने की हानि होती है, इन दोनों का जो एवरेज होता है वही आपका कॉस्ट प्राइस होता है। और ऐसे सवालों को और भी नेक्स्ट लेवल के क्वेश्चन भी मैंने आपको लेक्चर में कराया, तो ये जो है फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन है जिसमें कि आपका डायरेक्टली जो कॉस्ट प्राइस होता है वो क्या होता है, इन दोनों का एवरेज होता है। तो इन दोनों का एवरेज निकालना कोई बड़ी बात नहीं, इन दोनों को जोड़ लीजिए, ठीक है। 9+1 हो गया 10, ठीक है। 4+7 11+1 करोगे तो 12, ठीक है। ये बन गया आपका 6+3 मतलब 9, और यहां पे 6+8 मतलब 14, डिवाइडेड बाय 2 करिए तो कितना आ रहा है, 7 जा फिर 4 6 0, तो ये आपका कॉस्ट प्राइस है भाई। ये क्या है, कॉस्ट प्राइस। अब सवाल ये नहीं था कि आपको कॉस्ट प्राइस निकालना है, आपको बताना था लाभ प्रतिशत। अब देखिए लाभ प्रतिशत निकालने के लिए आपको पता है 2 चीजें होनी चाहिए, तो कॉस्ट प्राइस तो निकल गया, तो सेलिंग प्राइस कहाँ है। तो देखिए यहाँ सेलिंग प्राइस 2 दिए हैं आपको, एक सेलिंग प्राइस वो सेलिंग प्राइस है जब आपको प्रॉफिट हो रहा है, एक सेलिंग प्राइस वो सेलिंग प्राइस है जब आपको लॉस हो रहा है। तो जाहिर सी बात है प्रॉफिट की बात हो रहा है तो आपको ये वाले सेलिंग प्राइस के तहत इसको कैलकुलेट करना होगा। तो सेलिंग प्राइस का कौन कर रहा है, तो 8579 इज द सेलिंग प्राइस, ठीक। अगर मैं यहाँ पे परसेंटेज प्रॉफिट देखूँ तो परसेंटेज प्रॉफिट होता है इन दोनों का डिफरेंस। तो एसपी माइनस सीपी, देखिए काटना थोड़ा सा डिफिकल्ट काम है, तो हम क्या कर सकते हैं इसका रेशियो ले लेते हैं, यानी कि इसका डिफरेंस ले लेते हैं, वो आपकी प्रॉफिट होगी। तो 9 माइनस 0 करोगे तो 9, 7 में से 6 गया तो 1, 5 में से 4 गया तो 1, 8 में से 7 गया तो 1, डिवाइडेड बाय 746, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 100, ये आपका होता है प्रॉफिट परसेंट। अब बताइए भाई कितना आएगा वैल्यू। देखिए अगर मैं यहां पर इस चीज को थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करूं, जैसे कि मैं अगर इसे 0 0 हम यहां से कट कर लेते हैं, ठीक, 0 1 0 यहां से कट हो जाएगा। अगर मैं इसे 2 से काटने की कोशिश करूं, तो अगर 2 से इसे काटा जाए तो यहां पर 373 आएगा, है ना, और यहां पर 5 आएगा, ठीक। अगर मैं यहां पर इस चीज को देखूं तो 373 का 3 गुना है ये, डायरेक्टली इसका 3 टाइम्स, क्योंकि देखिए भाई एक चीज मेरे दिमाग में है, 37 मल्टीप्लाइड बाय 3 जो है 111 होता है, तो इसका जस्ट 3 टाइम्स ही है, क्योंकि 1 3 आ गया तो यहाँ 9 आ गया। 37 का 3 टाइम्स जो है वो 111 होता है, ये हमने कहाँ डिस्कशन किया है, डिविजिबिलिटी रूल में डिस्कशन किया है, ठीक है। तो उसी के तहत डायरेक्टली ये जो है कितना आ जाएगा, 15% आ जाएगा। तो कुछ कैलकुलेशन यहाँ पर वैल्यूज जो है 37 वाला जो है उसका हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं, हालांकि थोड़ा सा हल्का सा कैलकुलेटिव जरूर है, लेकिन ऐसा भी नहीं कि आप इसको 1 मिनट के अंदर सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसके बाद। तो अगला प्रश्न है यहां पर ज्योमेट्री से रिलेटेड प्रश्न है, तो शफल्ड क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जाम में, तो आपको तैयार रहना है मेंटली भी और अच्छे से आपको प्रिपरेशन करना है। चलिए देखिए सवाल क्या दिया है, PQR इज एन आइसोसेलस ट्रायंगल विद PQ एंड PR इज इक्वल टू 25 25, PS इज द मीडियन ऑन QR इफ P
फ्रॉम पी सच दैट पी एस इज इक्वल टू 7, व्हाट इज द लेंथ ऑफ क्यू आर। तो देखिए एक ट्रायंगल है पी क्यू आर, एक ट्रायंगल है पी क्यू आर, पी क्यू और आर, पी क्यू का लेंथ जितना है उतना ही पी आर का लेंथ है, तो ये भी अगर 25 है 25, तो ये भी 25 होगा, पी क्यू पी आर दोनों के दोनों 25-25 है। अब यहां से आपको बोला गया पी एस क्या है, पी एस माध्यिका है, माध्यिका का मतलब मीडियन, मीडियन क्या करता है ऑपोजिट जो साइड है उसके मध्य बिंदु पर जाकर टच होता है, तो यहां पर इसका मध्य बिंदु यहां पर रहेगा एस, यहां से हमने इसको जोड़ दिया इस तरीके से, ठीक है। चलिए थोड़ा सा इसको मैं करेक्ट कर लेता हूं, ये जो मध्य बिंदु है वो कुछ इस तरीके से रहेगा। ध्यान ये दीजिएगा कि आइसोसेलेस ट्रायंगल है, हर ट्रायंगल में ऐसा नहीं होता, लेकिन आइसोसेलेस ट्रायंगल में जब आप इक्वल साइड्स वाले साइड से मीडियन बनाते हैं तो यही मीडियन जो है परपेंडिकुलर होता है, ऐसा हर जगह नहीं होता, केवल आइसोसेलेस ट्रायंगल और इक्विलेटरल ट्रायंगल में होता है। आइसोसेलेस ट्रायंगल में भी केवल वहीं पे जब आप इक्वल साइड से यहां पर मीडियन ड्रॉप करें जो कि इक्वल इक्वल साइड का, तभी ये परपेंडिकुलर होता है। ये सारी चीजें हमने ज्योमेट्री में डिस्कस किया, डिटेल में हमने डिस्कस किया, आशा करता हूं आपको चीजें याद होंगी। अब यहां से हम यहां से इसका वैल्यू निकालते हैं, पीएस का वैल्यू 7 है, तो 7 और ये राइट एंगल ट्रायंगल और 25, देखते साथ दिमाग में क्लिक होना चाहिए 7 24 25 ट्रिपलेट। तो इसका मतलब चाहे आप एसआर का वैल्यू ले लीजिए ये भी 24 होगा, चाहे आप क्यूएस का वैल्यू ले लीजिए ये भी 24 होगा, तो पूरा का पूरा क्यूआर का वैल्यू आपको निकालने को बोला गया है, तो क्यूआर का लेंथ यहां से निकल जाएगा 24 प्लस 24, यानी कि 48। ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्लियर है, यहां तक बात समझ में आ गई। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन के ऊपर दिया हुआ है, ओ इज द सेंटर ऑफ अ सर्कल, पी ए एंड पी बी आर टेंजेंट्स टू द सर्कल फ्रॉम पॉइंट बी आउटसाइड द सर्कल, ए एंड बी आर पॉइंट्स ऑन द सर्कल, ए पी बी का वैल्यू जो है 50 डिग्री है, तो ओ ए बी का वैल्यू क्या होगा। देखिए इसका डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक है, इसको समझिएगा, यहां अगर ये पॉइंट ओ है, ये इसका सेंटर है, बाहर से एक पॉइंट पी हमने लिया, यहां से हमने क्या किया दो टेंजेंट बनाए, पहला टेंजेंट इस तरीके से यहां पर पी ए, दूसरा टेंजेंट इस तरीके से यहां पर, तो ये ए पॉइंट पर और बी पॉइंट पर यहां पर इस तरीके से दो टेंजेंट दिए हुए। आपको कौन सा एंगल निकालना है, आपने ए बी को जोड़ दिया और यहां पर आपको ओ ए बी निकालना है, ये सवाल मैंने आपको कराया है। अगर यहां पर 50 डिग्री बना है तो ये वाला जो एंगल होगा ये आपका 50 डिग्री/2 होगा, मतलब कितना, तो 25 डिग्री इसका आंसर होता है, डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक है, ठीक है। समझिएगा कैसे, देखिए एक चीज मैंने आपको बता के रखा है कि जब भी बाहर से दो टेंजेंट बनाते हैं हम, एक ही बिंदु से बाहर से दो टेंजेंट यानी दो स्पर्श रेखा एक सर्कल पर बनाते हैं, तो आप अगर इस पॉइंट से सेंटर को जोड़ दें, इस पॉइंट से सेंटर को जोड़ दें इस तरीके से, तो जो ऊपर है वो नीचे है, जो फिगर ऊपर दिखाई दे रहा है वो फिगर नीचे दिखाई दे रहा है, सिमेट्रिक फिगर है, यानी कि ऊपर वाली चीजें और नीचे वाली चीजें जो है सर्वांग सम होंगी, कॉन्ग्रुएंट होंगी। इसके तहत क्या होता है कि ये जो एंगल है ये 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री हो जाता है, और टेंजेंट जो है सर्कल पर 90 डिग्री होता है, करेक्ट, और क्योंकि सर्वांग सम है तो जो 50 डिग्री है ये बाइसेक्ट हो जाएगा आधे आधे पर, मतलब ऊपर भी 25 डिग्री और ये जो नीचे है ये भी 25 डिग्री। यहां तक क्लियर है चीजें। अब आप मुझे बताइए कि ए ओ पी का वैल्यू क्या होगा, एंगल ए ओ पी का वैल्यू क्या होगा। हमें पता है कि जो टेंजेंट होती है पी ए, ये ओ ए रेडियस पर परपेंडिकुलर होती है, तो ये वाला जो एंगल होगा ये बन जाएगा आपका 90 डिग्री माइनस का 25 डिग्री, करेक्ट, 90 डिग्री माइनस का 25 डिग्री बनेगा ये वाला एंगल। और दूसरी बात, अगर मैं यहां पर इस पॉइंट को M मान लूं तो AMO जो ट्रायंगल है ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है, और इसमें जो AMO 90 डिग्री बना, ये 90 डिग्री माइनस 25 बना, तो ये वाला वापस 90 डिग्री माइनस का इतना वैल्यू होगा, और 90 डिग्री कैंसिल हो गया, तो वापस यहां पर कितना आएगा 25 डिग्री आएगा। क्लियर, तो डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक ये है कि आप इस 50 का आधा कर दीजिए, यहां पर 25 डिग्री इसका आंसर हो जाएगा। कितने सेकंड में सॉल्व होगा, 2 सेकंड में सॉल्व हो जाएगा अगर आपने डायग्राम बना लिया है तो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ अ 9-digit number 1 2 6 3 4 8 7 XY इज डिविजिबल बाय बोथ 8 and 5, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई रिस्पेक्टिवली। देखिए मैंने नंबर सिस्टम में आपको पहले भी बताया था, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर कोई टॉपिक नंबर सिस्टम में है प्रिलिम्स के पर्सपेक्टिव से तो वो डिविजिबिलिटी रूल है। ये चौथा सेट मैंने आपके साथ डिस्कस किया, और चारों सेट में आप देखेंगे कि नंबर सिस्टम से कौन सा सवाल आया है तो डिविजिबिलिटी रूल का है। ये मैंने डिविजिबिलिटी रूल जब आपको पढ़ाया था स्टार्टिंग में, ठीक है, शुरुआत के 10 लेक्चर में देखना आप, जो डिविजिबिलिटी रूल था वहां पे भी मैंने आपको ये बात क्लियर कट कहा था कि जो नंबर सिस्टम में अगर सबसे ज्यादा कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो वो क्या है, ये है डिविजिबिलिटी रूल, ठीक है। विभाज्यता के नियम के आधारित ये प्रश्न है, चलिए आइए समझते हैं। यहां पर 1 2 3 ये जो है आपके 8 से भी कटता है और ये आपका 5 से भी कटता है, करेक्ट। चलिए अब समझते हैं, यहां पर
8 से और 5 से अगर दोनों चीजें कट रही है तो कैसे यहां पर हम इसका एक्स वाई का मैक्सिमम वैल्यू निकाल सकते हैं। देखिए 5 की विभाजिता का नियम कहता है कि y का जो मान है या तो 0 होना चाहिए या तो 5 होना चाहिए, 0 या 5 में से दोनों में से एक होना चाहिए। लेकिन 8 की विभाजिता का नियम ये कहती है कि आखिरी के जो तीन संख्या है ये आपके 8 से कटनी चाहिए, करेक्ट। अब आखिरी के तीन संख्या 8 से कटनी चाहिए तो आखिरी संख्या तो 5 हो ही नहीं सकती क्योंकि 8 अपने आप में एक इवन नंबर है, सम संख्या, तो यहां पर y का वैल्यू 5 नहीं हो सकता। तो ये गलत है, ये गलत है। आप फंस जाएंगे 20 और 60 में। अब 20 लें कि 60 लें, देखिए आंसर तो वैसे 60 ही होगा क्योंकि देखिए 7 के साथ मैंने आपको बताया है कभी भी यहां पर 100 प्लेस में अगर ऑड नंबर है और आप 8 की विभाजिता का नियम के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं तो ऐसे कंडीशन में वही संख्या लेना 2 डिजिट्स में जो 4 रिमाइंडर देता है 8 से डिवाइड करने पर, मतलब यहां पर सबसे छोटा नंबर जो आएगा वो 20 आएगा 0 के साथ। और क्योंकि इससे थोड़ा और बड़ा नंबर हमें चाहिए जो कि सबसे बड़ा नंबर हो तो वो हो जाएगा 760। इसके ऊपर जाएंगे तो आएगा 800, लेकिन 800 तक आप नहीं जा सकते क्योंकि 800 जो है यहां से 7 वाला डिजिट चेंज हो जाएगा, मतलब सबसे बड़ा जो नंबर पॉसिबल है वो 60 है। सी जो है सवाल का सही उत्तर होगा, ठीक। हम इस चीज का भरपूर मात्रा पे यूज करते हैं कि अगर यहां पर ऑड नंबर आया तो 8 की विभाज्यता के नियम में आखिरी के दो नंबर में ऐसा नंबर लेना होता है जो रिमाइंडर 4 दे, लेकिन अगर यहां पर इवन नंबर आया यानी सम संख्या है तो आखिरी वाले में ऐसा नंबर लेना है जो रिमाइंडर 0 दे 8 से डिवाइड करने पर। यहां तक आपको मेरी बातें समझ में आ गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन के ऊपर। तो देखिए डेटा इंटरप्रिटेशन का क्वेश्चन दिया है, अगेन आपको देखने को मिलेगा इस शिफ्ट में भी एक डीआई के ऊपर आधारित एक प्रश्न। पहले ऐसा नहीं होता था लेकिन ये जो नया पैटर्न है जब से टीसीएस आया है वहां पर देखने को मिला है कि एक डीआई के ऊपर एक ही प्रश्न मिलता है, फिर आपका जो है टाइम किसी ना किसी तरीके से किल करने की कोशिश है। तो फटाफट पहले देखिए क्या दिया हुआ, स्टडी द बार ग्राफ एंड आंसर। तो यहां पर अगर हम देखते हैं 2010 से 2015 तक डेटा दिया हुआ है, शोज द प्रोडक्शन ऑफ मेडिसिन बाय अ कंपनी इन 1000 टन। तो ये 1000 टन में प्रोडक्शन ऑफ मेडिसिन है 2010 से 2015 तक। क्या निकालना है, In each of the following years, the percentage increase in the production as compared to previous year is taken. Then the ratio of increase of production in 2011 to the increase of production in 2015. So, 2011 में जो increase हुआ, as compared to 2015 में जो increase हुआ, इसका परसेंटेज में जो इंक्रीमेंट है उसका आपको रेशियो निकालना है। तो देखिए 2011 में अगर आप इंक्रीमेंट की बात करें तो प्रीवियस वाले जो ईयर है उसके कंपैरिजन में होती है। तो अगर आप देखेंगे यहां 20 का इंक्रीमेंट हो रहा है 40 में, तो 20 बटे 40 डिवाइडेड मल्टीप्लाइड बाय 100, ये होता है रेशियो। मल्टीप्लाइड बाय 2015 की बात करें तो यहां पर भी 20 का इंक्रीमेंट है लेकिन 60 में, तो यहां परसेंटेज निकालोगे तो 20 डिवाइडेड बाय 60 होगा और मल्टीप्लाइड बाय 100 दोनों तरफ होना है। अब देखिए रेशियो निकालना बहुत आसान काम है, 20-20 कट जाएगा, अगर 2 से 20 से काटा जाए तो 2 यहां पे 3 यहां पे, मतलब 1/2 और 1/3 का अनुपात है, 3 को दूसरी तरफ और 2 को इस तरफ भेज देते हैं तो अनुपात जो आएगा वो आएगा 3:2, मतलब सवाल का जो सही उत्तर है वो है डी ऑप्शन, क्लियर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ज्यादा कुछ इसमें नहीं करना। परसेंटेज इंक्रीज क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। तो जैसे मैंने आपको डेटा इंटरप्रिटेशन के वीडियोस में भी समझाया था कि अगर डीआई का प्रश्न आता है तो तीन ही टॉपिक्स आता है, परसेंटेज, रेशियो, एवरेज। अगर आपने परसेंटेज, रेशियो, एवरेज वो भी उसके बेसिक फॉर्मुलेज ही अगर आपने देखा है तो 4 नंबर जो है आपके क्लियर हो जाते हैं केवल डेटा इंटरप्रिटेशन पढ़ने से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन के ऊपर। यहां पर दिया हुआ है 2 cos theta + sec theta का वैल्यू है -2√2 = 0 दिया, तो आपको बताना है थीटा का वैल्यू क्या। देखिए अब इसको सॉल्व करने के पहले खुद ही सोचिए कि रूट टू कब आता है, थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री पर ही तो आता है, तो थीटा को डायरेक्टली एक बार 45 डिग्री डालकर चेक कर लेते हैं। जैसे ही मैं थीटा को 45 डिग्री डालूं तो इससे जो कॉस थीटा होगा इसका वैल्यू कितना होता है 1/√2, और जो sec थीटा होता है वो इसका व्युत्क्रम होता है, मतलब कि रूट टू होता है। तो अगर मैं यहां पर cos थीटा की जगह 1/√2 डालता हूं तो 2 और √2 कटेगा तो √2 आएगा, sec थीटा की जगह अगर मैं √2 डाल दूं तो ये भी √2 बन गया, माइनस का क्या है 2√2 है। तो ओवरऑल देखा जाए तो 2√2 और √2 दोनों कट जाएंगे, मतलब इक्वल टू 0 आ रहा है जो कि सेटिस्फैक्टरी है, मतलब थीटा का वैल्यू कितना है 45 डिग्री। तो पूरा का पूरा सॉल्व नहीं करना है, खुद से आप यहां पर वैल्यू देखिए, समझिए क्या दिया है और उसका वैल्यू एज्यूम करने की कोशिश करिए, थोड़ा सा इंटरप्रेट करिए क्योंकि आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के वैल्यूज पता है, पहले ही वीडियो में ट्रिग्नोमेट्री का हमने ये देखा है, ठीक है। तो अगर आपको यहां पर जो मैंने कंटेंट आपके साथ शेयर किया है अगर आपको पसंद आ रहा है, वीडियो को लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें क्योंकि आपके लाइक और शेयर से हम जो कंटेंट आपको देते हैं उसमें हमारा मोटिवेशन और हाई रहता है कि और अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करें।
देखिए, अगर आप देखेंगे तो थोड़ा सा आप कंपेयर करिएगा कि जो चीजें मैंने आपको सिखाई है और जो चीजें आपके एग्जाम में पूछी जा रही, क्या ये रिलेवेंट है कि नहीं है। आपको खुद ही समझ में आएगा कि बहुत ज्यादा रिलेवेंट है, क्योंकि डायरेक्ट आप देखिए जो भी मैंने पढ़ाया है वो टू द पॉइंट है और वो एकदम आपके एग्जाम में डायरेक्ट इसके क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, चलिए आते हैं इस सवाल को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राघव स्पेंड्स 80% ऑफ हिज इनकम। इफ द इनकम इंक्रीज्ड बाय 12% एंड हिज एक्सपेंडिचर इज इंक्रीज बाय 17.5%, व्हाट इज द परसेंटेज डिक्रीज इन हिज सेविंग्स। देखिए भाई, इनकम बराबर होता क्या है, तो एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग्स होता है। इस सवाल को करने के तरीके बहुत सारे हैं। पहले अगर मान लीजिए कि इसकी इनकम 100 रुपया है, तो अपने आय का 80% खर्च करता है, मतलब एक्सपेंडिचर 80 रुपया होगा और सेविंग्स जो है वो 20 हो जाएगा, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति 100 रुपए कमा रहा है, 80 खर्च करेगा तो बचेगा कितना, 20 बचेगा। क्लियर। अब सवाल में क्या दिया है उसको समझिएगा। सवाल में दिया है कि यहां पर जो वैल्यू है इनकम जो है वो 12% जो है इंक्रीज होता है। इनकम को हम क्या करते हैं, 12% बढ़ाते हैं। अगर इनकम का 12% बढ़ाओगे मतलब कितना, 112 होगा। इसकी वैसे कोई आवश्यकता नहीं है, आपको बस देखना है कि यहाँ 12 इंक्रीमेंट हुआ। ठीक है, इंक्रीमेंट के ऊपर ही हम काम कर सकते हैं। अगर 12 यहाँ इंक्रीमेंट हुआ, मतलब इन दोनों का मिलाकर जो इंक्रीमेंट होना चाहिए वो 12 का होना चाहिए। अब एक्सपेंडिचर में कितना इंक्रीमेंट हो रहा है, तो 17.5% एक्सपेंडिचर में बोल रहा है, 17.5%। जाहिर सी बात है, अगर यहाँ 12% है, यहाँ 17.5% है, किसका, तो यहाँ पर 80 का। ठीक है, 80 का 17.5% कितना होता है, देखिए 80 का 17.5% निकालना है, तो 17.5 / 100 × 80 यही होगा। मतलब इसको मैं 4/5 भी लिख सकता हूं, 5 से अगर मैं इसको काटूं तो 3.5 आएगा। ठीक, और 4 से इसको मल्टीप्लाई करें तो 14 आएगा। ठीक है, मतलब कि यहां पर जो एक्सपेंडिचर है इसका इंक्रीमेंट हो रहा है 14 का। अब आप खुद बताइए कि अगर यहां पर 12 का इंक्रीमेंट हो रहा है, यहां 14 का इंक्रीमेंट हो रहा है, तो यहां जो इंक्रीमेंट होना चाहिए वो यहां पर कितना होना चाहिए, एक्चुअली ओवरऑल 12 का होना चाहिए। मतलब यहां आपका -2 होना चाहिए, तभी तो 14 में -2 करोगे तभी तो ओवरऑल यहां पर 12 आएगा। और जब -2 हुआ तो किस में हुआ, 20 में हुआ, तो यहां पर परसेंटेज सेविंग्स में जो डिक्रीज हुआ उसकी बात करें तो 2 का डिक्रीमेंट हो रहा है 20 में मल्टीप्लाइड बाय 100। ठीक है, तो 10 यहां से कट जाएगा, 2 कट जाएगा, मतलब कितना, 10% का डिक्रीमेंट होगा, 10% डिक्रीज, मतलब जो बी है सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। यहां तक क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब यहां से एक और तरीका मैं आपको बता देता हूं कि इसी सवाल को कैसे हमें सॉल्व करना है। ठीक, तो एक और तरीका क्या हो सकता है, देखिए भाई, आपको जो दिया है ना, इनकम जो है ये एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग्स होता है, तो इनकम का जो एवरेज है और एक्सपेंडिचर सेविंग्स का जो एवरेज है, ठीक है, उस पर आप एलिगेशन हमेशा लगा सकते हैं। क्या बताया गया, इनकम जो है कितने का इंक्रीमेंट हो रहा है, तो 12% का इंक्रीमेंट हो रहा है। एक्सपेंडिचर का कितना इंक्रीमेंट था, तो 17.5% का था। अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस ले लूं तो यहां पर वैल्यू आएगा 5.5% का। और एक्सपेंडिचर सेविंग्स के रेशियो की बात करें तो 80:20 है, मतलब 1:5 का रेशियो है। ठीक है, 1:4 का रेशियो है, तो 1 = इतना, तो बताइए 4 = कितना होगा, 4 = हो जाएगा इसका 11 × 11 यानी 22। ठीक है, अब आपको हमेशा एक बात पता होनी चाहिए कि ये जो वैल्यू है दोनों के बीच में होता है, तो अगर 17.5 इससे बड़ा है तो यहां वाला वैल्यू इससे छोटा होगा। मतलब आपको ये जो 22 है इसमें से माइनस करना होगा, तो माइनस का 10 आएगा, और माइनस का 10 यही बताता है कि यहां पे 10% का डिक्रीज हो रहा है। तो एलिगेशन के जरिए भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, डिवेशन भी आप यहां पर लगा सकते हैं, बहुत सारे तरीके हैं एक ही सवाल को सॉल्व करने के। ठीक है, देखने के नजरिए अलग अलग हो सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब इस सवाल को देखते हैं। यहां पर दिया हुआ है, देयर आर रेशियो, 3 numbers are in the ratio 1/4:5/9:7/19. The difference between the greatest and the smallest number is 180. What is the sum of all the numbers? जब भी रेशियो जो है 1/4, 5/9 or 7/12 है, तब तक हम यहां पर ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अगर इसको आप इंटीग्रल वैल्यूज में कन्वर्ट कर देते हैं तो सवाल थोड़ा सा आसान हो जाता है। तो हमारी कोशिश यही रहती है कि पहले हम इसको इंटीग्रल वैल्यू में कन्वर्ट करें। तो 9, 4 और 12 का जो एलसीएम है 36, मैं इससे मल्टीप्लाई कर लेता हूं तीनों में। तो ये जो वैल्यू है, पहला वाला बन जाएगा 9, ये बन जाएगा 20 और ये बन जाएगा आपका 21। ठीक है, 9:20:21 जो है ये आपका अनुपात बन गया। क्लियर है, आइए अब यहां से इसको सॉल्व करते हैं। यहां पर डिफरेंस ये दिया हुआ है कि स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट नंबर इन दोनों में अगर हम देखें अंतर कितने का है, तो 12 का है, और 12 का वैल्यू कितना दिया, 180 दिया हुआ है। सवाल में आपसे पूछ रहा है तीनों का आपके पास जो सम है वो कितना है। हमारे हिसाब से सम कितना है, 9 को अगर 21 में जोड़ोगे, 30 में अगर 20 को जोड़ोगे,
तो 50 आ रहा है, मतलब 50 का वैल्यू आपको निकालना है। ठीक, अगर यहाँ पे 15 गुने हो रहा है, ठीक, तो यहाँ भी 15 गुने होना चाहिए, जो कि कितना हो जाएगा 750। ठीक, 750 इज द करेक्ट आंसर, डी जो है सवाल का सही उत्तर होगा। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहां पर दिया हुआ है आपकी स्क्रीन के ऊपर, द सम ऑफ द रेडियस एंड बेस ऑफ बेस एंड हाइट, रेडियस ऑफ बेस एंड हाइट ऑफ अ सॉलिड सिलेंडर इज 12.5, व्हाट इज द टोटल सरफेस एंड द टोटल सरफेस एरिया इज दिस मच, व्हाट इज द रेडियस। देखिए भाई, टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2πr इंटू एच प्लस आर, ये आप लोग जानते हैं। इसके बारे में हमने डिस्कशन किया मेंसुरेशन में कि एक सिलेंडर का जो टोटल सरफेस एरिया होता है वो होता है 2πr इंटू एच प्लस आर, जिसमें r जो है इसका रेडियस है, ठीक, और h जो है इसका हाइट है। इसके बारे में हमने डिस्कशन किया है। सवाल में दिया हुआ है कि ये जो h प्लस आर है इसका वैल्यू कितना है, 12.5 दिया हुआ है। h प्लस आर की जगह कितना दिया हुआ है, इसका वैल्यू दिया हुआ है 12.5। 12.5 को मैं लिख सकता हूं 25 डिवाइडेड बाय 2, लिख सकते हैं कि नहीं। इसका वैल्यू दिया है 275। अब 25 जो है इसको 11 बार काटेगा, अगर मैं इसको 2 को दूसरी तरफ भेज दूं तो 2πr का वैल्यू जो है वो कितना आ रहा है, 22 आ रहा है। थोड़ा सा इस चीज को गौर से देखिए तो आपको समझ में आ जाएगा कि रेडियस क्या है, 3.5 है। रेडियस क्या है, 3.5 है। कैसे, देखिए मैंने आपको बता के रखा है कि जब भी 2πr का वैल्यू निकालना है, 2πr क्या है, सरकमफेरेंस है, जो कि क्या होता है, अगर रेडियस यहां पर 7k हुआ तो ये जो है 44k होता है। अगर 44k का वैल्यू इतना है, मतलब k का वैल्यू आधा होगा, और अगर k का वैल्यू आधा है तो रेडियस जो होगा 7 का आधा, मतलब 3.5 सेंटीमीटर होगा। तो इस तरीके से ओरली आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, ये ट्रिक मैंने आपको बता के रखा है। अगर इसी के तहत एक चीज और नोट डाउन करना कि अगर रेडियस 7k होता है तो 2πr का वैल्यू 44k होता है, मतलब सर्कल के सरकमफेरेंस का वैल्यू, और सर्कल का जो एरिया होता है πr स्क्वायर, इसके जगह पे हम क्या यूज करते हैं, 154 का k स्क्वायर यूज करते हैं। ठीक है, इसको भी आप नोट डाउन कर लेना। अगर आपने मेरा वीडियो नहीं देखा है तो इस चीज के जरिए भी आप फटाफट जो है कैलकुलेशन कर सकते हैं सर्कल्स के क्वेश्चंस को। चलिए आगे बढ़ते हैं, सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम फॉर 3 इयर्स इज 12%, 3 इयर्स एट 12% इज रुपीज दिस मच, व्हाट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन द सेम सम फॉर 2 इयर्स एट 20%। ठीक है, इफ द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली राउंडेड ऑफ टू द नियरेस्ट रुपीज। देखिए समझिएगा, यहां पर सबसे पहली बात आपको बोला है 12% के हिसाब से, ठीक है, 12% के हिसाब से आपको यहां पर 3 वर्षों की जब बात हो रही है तो यह SI से बात हो रही है। उसी प्रकार यहां पर जब 20% के हिसाब से जब 2 वर्षों की बात हो रही है तो यह CI हाफ ईयरली की बात हो रही है। ठीक है, CI हाफ ईयरली की बात हो रही है। अब CI हाफ ईयरली का मतलब क्या है, इसमें अगर आप थोड़ा सा और इसको सिंप्लीफाई करें तो बन जाएगा 10%। ठीक है, 10% इसका आधा होता है हाफ ईयर्स, और N जो होता है ये 4 बन जाता है, करेक्ट। अब इस क्वेश्चन में हम डायरेक्टली परसेंटेज वाला अप्रोच अप्लाई करेंगे। आपको मैंने बता के रखा है कि यहां जो सिंपल इंटरेस्ट लगता है हर साल वो उतना ही परसेंट लगता है, मतलब 36%। यहां जो इंटरेस्ट आपको मिलेगा वो मिलेगा 36%, और 10% का सक्सेसिव वैल्यू जब आप निकालोगे n इक्वल टू 4 पे तो परसेंटेज जो लगता है वो 46.41% लगता है, और अप्रोक्सीमेट वैल्यू आपको निकालने को बोला। मतलब डायरेक्टली देखिए, ये सारी चीजें जो मैं लिख रहा हूं ये आपके माइंड में होना चाहिए। सवाल में बस इतना ही है कि 36% का वैल्यू इतना है, तो 1% का वैल्यू हो जाएगा 6750 डिवाइडेड बाय 36। ये क्या है भाई, 1% का वैल्यू, और आपको जो वैल्यू निकालना है 46.41% का वैल्यू, यही है आपका आंसर। बस एग्जाम में SI CI के क्वेश्चन में इतना ही हमें पेन चलाना है। जितना मिनिमम आप यहां पर पेन चलाएंगे, जितना आप माइंड को वर्क करवाएंगे, उतना ही ज्यादा जो है आपका टाइम जो है बचेगा। ठीक, इसका कैलकुलेशन करके बताइए कितना आएगा। देखिए अगर देखा जाए तो ऊपर वाला वैल्यू 9 से कट रहा है, ये भी 9 से कट रहा है, तो पहले 9 से ही काट देते हैं, ये 4 बन गया। ठीक है, इसको अगर 9 से काटेंगे तो 7 बार कटेगा 63 से, 63 के बाद यहां पर जो वैल्यू आ रहा है वो 45 आ रहा है, तो 50 बार यहां पर कटेगा। ठीक है, 4 से अगर मैं इसको काट दूं, 4 से इसको काटने पर यह बन जाएगा 11, 24 आ रहा है तो 0.6, और यहां 1 है तो 1 का मतलब कितना हो जाएगा, तो 0, ठीक है, 25 होगा, इतना वैल्यू आ जाएगा। अब 750 का मतलब क्या होता है, 750 का मतलब होता है भाई 3000 डिवाइडेड बाय 4, यही होता है 750 का मतलब, क्योंकि देखिए 7.5 का मतलब होता है 30 डिवाइडेड बाय 4, तो ये 750 है, तो यहां पर 2 जीरोस और लगा देते हैं। मल्टीप्लाई किससे करना है, 11.6025 से मल्टीप्लाई करना है। तो आप थोड़ा स्मार्टली सोचिए कि यहां पर 3 जीरोस है, मैं 3 जीरोस को हटा ही देता हूं, इससे क्या होगा कि ये जो डेसिमल है 3 शिफ्ट हो जाएगा राइट साइड, तो 602 ये यहां पर आ जाएगा,
तीन से अगर इसको मल्टीप्लाई किया जाए तो ये बन जाएगा 15, ठीक। 6 + 1 = 7, 0, 6 मतलब 18, 33 + 1 मतलब 34, डिवाइडेड बाय 4। तो अगर इसको 4 से काटा जाए, 8 बार कटेगा 32 से, 28 आएगा तो 7 टाइम्स, ठीक है। इसके बाद 28 के बाद 7 टाइम्स आ रहा है, फिर 10 है, अच्छा 0 है तो 0 टाइम्स जाएगा, फिर 7 है तो 1 टाइम जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद वैल्यू 35 आ रहा है तो लगभग अप्रोक्सीमेटली 8 टाइम्स आ रहा है, मतलब 8701.8 है अप्रोक्सीमेट वैल्यू जो है वो भी आएगा। तो देखिए ये जो करना है, इतना करने के बाद थोड़ा सा ही कैलकुलेशन रह जाता है, लेकिन यहां तक पहुंचने वाला कैलकुलेशन भी अगर आपको एग्जाम में करना पड़ रहा है तो आप कुछ लोगों से पीछे हैं। आपको ये चीजें जो है मेंटली कैलकुलेट करना आना चाहिए, उसके बाद जो है थोड़ा सा आप यहां पर फटाफट चीजों को कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब मैं बढ़ता हूं अगले सवाल की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल है आपके स्क्रीन के ऊपर, टू सर्कल्स टच ईच अदर इंटरनली, देयर डायमीटर्स आर रिस्पेक्टिवली 8 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन देम। देखिए अगर यहां पर इसका रेडियस मान लेते हैं, ये रेडियस कितना होगा इसका, ये हो जाएगा आपका 4 सेंटीमीटर, इसका रेडियस कितना होगा तो ये हो जाएगा 2 सेंटीमीटर, ठीक। अगर यहां पर इन दोनों का जब भी ये इंटरनली टच करते हैं, इस तरीके से जब इंटरनली टच करते हैं तो यहां पर जो डिस्टेंस बिटवीन सेंटर होता है वो कुछ और नहीं होता, वो आर माइनस आर होता है, मतलब कि 4 - 2 मतलब 2 सेंटीमीटर। इसका थ्योरी भी मैंने आपको करा रखा है, एक बार मैं आपको इसका थ्योरी पार्ट जो है वो रिवाइज करा देता हूं, ठीक है। देखिए ज्योमेट्री का जो सबसे आखिरी वीडियो था जिसमें सर्कल्स के बारे में डिस्कशन हुआ था, वहां मैंने ये बातें बताई है कि अगर डी जो है ये डिस्टेंस बिटवीन टू सेंटर्स ऑफ सर्कल्स है, डी क्या है, डिस्टेंस बिटवीन जो है सेंटर्स है दो सर्कल्स का, जिसमें से एक सर्कल का जो रेडियस है कैपिटल आर है, दूसरे सर्कल का रेडियस स्मॉल आर। तो अगर ये जो डिस्टेंस है ये छोटा होता है कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर से, ऐसे कंडीशन में एक सर्कल दूसरे सर्कल के अंदर होता है, इसमें कॉमन टेंजेंट जो होता है, कॉमन टेंजेंट की संख्या 0 होती है। दूसरा डायग्राम ऐसा बनता है जब ये इंटरनली टच करते हैं, मतलब डिस्टेंस बराबर आर माइनस आर जब हुआ तो डायग्राम कुछ ऐसा बनता है, ठीक है। यहां पर एक सर्कल दूसरा सर्कल इस तरीके से, तो ये आर हो गया और यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस हो कैपिटल आर होता है, तो दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है आर माइनस आर होता है, ऐसे कंडीशन में कॉमन टेंजेंट की संख्या 1 होती है। तीसरा जो डायग्राम होता है वो इस तरीके से हो सकता है, डी जो है आपके आर प्लस आर से छोटा और आर माइनस आर से बड़ा, ऐसे कंडीशन में कुछ इस तरीके का डायग्राम बनता है और ऐसे में दो कॉमन टेंजेंट बनते हैं, ऐसा और ऐसा, दो कॉमन टेंजेंट इस तरीके से बनते हैं कॉमन टेंजेंट, ठीक है। चौथा कंडीशन ये होता है कि डिस्टेंस जो है वो एग्जैक्टली आर प्लस आर के बराबर हो जाए, तो ऐसे कंडीशन में डायग्राम कुछ ऐसा बनता है, एक्सटर्नली टच करते हैं, इंटरनली में आर माइनस आर बराबर डिस्टेंस होता है, एक्सटर्नली में आर प्लस आर बराबर डिस्टेंस होता है, तो ऐसे कंडीशन में एक टेंजेंट ऐसा, एक टेंजेंट ऐसा, एक टेंजेंट ऐसा, ऐसे कॉमन टेंजेंट जो है 3 बनते हैं। एक आखिरी कंडीशन और ये होता है कि जब डिस्टेंस जो है वो आर प्लस आर से बड़ा हो गया, ऐसे कंडीशन में 4 कॉमन टेंजेंट बनते हैं। यहीं पर आपका कॉन्सेप्ट बनता है ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट का और डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आपका डायग्राम बनता है ऐसे में, ठीक। तो एक लाइन ऐसा जाएगा आपका टेंजेंट, पहला टेंजेंट ऐसा, ठीक, जो कि यहां पर टच करे, दूसरा टेंजेंट ऐसा जो कि यहां से इस तरीके से टच करता है यहां पर, तीसरा टेंजेंट इस तरीके से और चौथा टेंजेंट इस तरीके से बनता है। तो 4 टेंजेंट बनते हैं, कॉमन टेंजेंट की संख्या यहां पर क्या है, 4 है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपके स्क्रीन के ऊपर दिया हुआ, यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाओं की लंबाई ए और बी इस प्रकार है कि उसका जो गुणनफल है वो ए बी बराबर कितना दिया हुआ है, 24 दिया, जहां ए और बी पूर्णांक है, तो ऐसे कितने संभावित त्रिभुज है, इसकी संख्या आपको निकालनी है। तो देखिए यहां पर अगर 24 दिया हुआ है, दो आपको यहां पर साइड दिए हैं ए बी, ठीक है, इसका जो वैल्यू है टोटल यानी कि इनका जो गुणनफल है प्रोडक्ट है वो कितना है, 24 है। आपको यहां पर यह बताना है कि ऐसे कितने ट्रायंगल्स पॉसिबल है। तो देखिए सेम पैटर्न का क्वेश्चन जो है, यानी कि साइड्स ऑफ द ट्रायंगल के ऊपर आधारित आपका जो प्रश्न है वो पिछले वाले प्रैक्टिस सेशन में भी मिला। मतलब देखिए एसएससी का जो सवाल है वो एक पैटर्न में चलता है। अगर एक पैटर्न के सवाल जो है वो अगर किसी शिफ्ट में बहुत सारे लोगों से नहीं बनता है, ऐसे कंडीशन में उसी पैटर्न के ऊपर आधारित दूसरा प्रश्न अगले शिफ्ट में आपको देखने को मिला है। तो ज्योमेट्री में साइड्स ऑफ द ट्रायंगल के ऊपर जो पहला या दूसरा वीडियो था ज्योमेट्री का, जिसमें साइड्स और एंगल्स के ऊपर ट्रायंगल का मैंने बात किया था, वहां पर जो है प्रॉपर्टी मैंने बताया था कि किसी भी ट्रायंगल के जो दो साइड्स अगर दिए गए तो तीसरा साइड जो होता है वो इन दोनों के सम से छोटा होता है लेकिन इन दोनों के डिफरेंस से बड़ा होता है, इसी का आपको यहां पर यूज करना है। दूसरी बात, अगर आपको तीसरा साइड का वैल्यू, अगर यहां पर दो साइड का वैल्यू अगर दे दिया जाए तो नंबर ऑफ ट्रायंगल्स होता है 2 × मिनिमम साइड
माइनस का एक, ठीक है। ये शॉर्ट ट्रिक भी बताया है कि नंबर ऑफ पॉसिबल ट्राइंगल जो होता है, अगर दो साइड दे दिया, ठीक है, तो दो साइड में जो मिनिमम साइड होता है टू इंटू उतना, माइनस एक करने पर ट्राइंगल्स की जो टोटल संख्या है वो निकल जाती है, ठीक है। तो इसी का हम यहाँ पर यूज करेंगे। अब देखिए, जैसे यहाँ इंटीजर साइड्स बोल दिया जाए तो आपको पता होना चाहिए कि इसका वैल्यू क्या क्या होगा। 1 × 24 = 24 ऐसा लिख सकते हैं, या 2 × 12 = यहाँ पर 24 लिख सकते हैं, 3 × 8 = यहां पर 24 लिख सकते हैं, या फिर कोई बच्चा ऐसा कहेगा कि 4 × 6 = 24 है। इतने ही फैक्टर से यहां पर, अब या तो एक होगा और 24 होगा, ऐसे कंडीशन में ट्रायंगल क्या क्या बन सकते हैं। तो आप कहेंगे सर ये जो तीसरा साइड है सी, ये ए प्लस बी से छोटा होता है, मतलब कि 1 + 24 25 से छोटा, और 1 - 24 कितना हुआ 23 हुआ, तो 23 से यहां पर बड़ा होना चाहिए। मतलब ऐसे कंडीशन में सी का एकमात्र संख्या बन रहा है जो कि है 24, तो एकमात्र ट्रायंगल पॉसिबल है ऐसे कंडीशन में। लेकिन इसके लिए भी हम शॉर्ट ट्रिक जानते हैं, तो आप शॉर्ट ट्रिक से करिए। यहां पर शॉर्ट ट्रिक क्या है कि जो मिनिमम साइड है 2 × 1 - 1, यानी एक ट्रायंगल पॉसिबल है इस कंडीशन में। दूसरे कंडीशन की बात करूं तो यहां पर 2 और 4 = 12 दिया है, तो यहां पर नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने पॉसिबल होंगे, तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए 2 + 12 कितना हो गया 14, 14 से छोटा होना चाहिए, और 12 - 2 यानी 10 से बड़ा होना चाहिए। तो ऐसे कंडीशन में 11 हो गया, 12 हो गया, 13 हो गया, 3 ट्रायंगल्स पॉसिबल है, करेक्ट। अब सोचिए, मैंने आपको जो ट्रिक बताया उसके तहत अगर सॉल्व करना है तो यहां पर क्या करेंगे, 2 × मिनिमम साइड है 2, माइनस का एक करोगे तो 3 ट्रायंगल पॉसिबल। तो डायरेक्टली आप रिजल्ट यूज करिए कि अगर दो साइड दिया है, तीसरे साइड के रेंज के हिसाब से नंबर ऑफ ट्रायंगल्स अगर आपसे कोई पूछे तो वो होता है 2 × मिनिमम साइड माइनस का एक। यहां पर जो मिनिमम साइड है वो 3 है, तो 2 × 3 करोगे 6, माइनस एक करोगे तो 5 ट्रायंगल पॉसिबल है, 2 × 4 मतलब कि 8 माइनस का एक करोगे तो 7 ट्रायंगल पॉसिबल है। इसको जोड़ लीजिए, 3 + 7 हो गया 10, 1 + 5 हो गया 6, मतलब 16 ट्रायंगल पॉसिबल है। 1 + 3 + 5 + 6 मतलब 16 ट्रायंगल पॉसिबल। तो कभी भी किसी त्रिभुज के दो साइड्स दिए हैं और आपसे पूछा जाए कि कितने इंटीग्रल वैल्यूज होंगे और साइड्स कंप्लीट करके ऐसे ट्रायंगल पूरा किया जाए, तो उसका आंसर क्या होता है, 2 × मिनिमम साइड माइनस का एक, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 1280, द शॉपकीपर सोल्ड इट एट 12% प्रॉफिट आफ्टर गिविंग 30% डिस्काउंट, देन व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस। मार्क प्राइस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस is equal to 100+% profit divided by 100 - percentage discount। इन चार वैल्यूज में से अगर कोई तीन वैल्यू दिया है तो चौथा वैल्यू निकालना बहुत आसान है, ये चीज हम भली भांति जानते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस के तीसरे वीडियो में जहां पे हमने डिस्काउंट डिस्कस किया था, वहां पे इस फॉर्मूले के बारे में हमने चर्चा किया है, और ये इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर डायरेक्ट प्रश्न आता है, और ये आप देख सकते हैं डायरेक्ट प्रश्न आया हुआ है। अंकित मूल्य का मतलब 1280, कॉस्ट प्राइस का मतलब यहां पर आपको फाइंड करना है, तो सीपी को एज इट इज रख लेते हैं। 100+ profit % मतलब 112 हो जाएगा ऊपर, 100 - discount % 30 माइनस करोगे तो 70 आ जाएगा नीचे, 7 जो है इसको 16 बार काटता है 10 रह जाएगा, 16 जो है इसको 8 बार काटता है तो 80 आ जाएगा यहां, तो 80 × 10 करोगे तो सीपी का वैल्यू जो है आ जाएगा 800 रुपया, ठीक है। तो बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसके बाद, ठीक। सिंप्लीफिकेशन के ऊपर सवाल दिया हुआ है, और जब भी डिवीजन और ऑफ आता है गलती वहीं पे होती है, और ये एसएससी भी जानता है कि बच्चों से गलती वहीं होती है जब डिवीजन और ऑफ एक साथ दे दिया जाए। तो आपको बस ये चीज ध्यान रखना है भाई कि यहां पर वी बॉड मास जो है, वी बॉड मास का रूल आपको याद रखना है, ठीक है। ऑफ कहां आया, ऑफ पहले आया, बाद में डिवाइड आया, और बाद में मल्टीप्लाई आया, ठीक है। ब्रैकेट उससे भी पहले आया, तो सबसे पहले ब्रैकेट, फिर ऑफ, फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, इस तरीके से आपको फॉलो करना है। हमेशा ऑफ डिवाइड मल्टीप्लाई वाले जो क्वेश्चंस है वहीं पर गलती होती है, और एसएससी जानती है कि बच्चों को वहीं पर समझ नहीं आता कि कैसे कैलकुलेशन करना है, और वही आपके एग्जाम में देता भी है। तो आपको चौकन्ना रहना है, ये मैंने आपको पहले भी बताया सिंप्लीफिकेशन वाले वीडियो में। अब थोड़ा सा और देख लेते हैं कि यहां पर उत्तर कितना आ रहा है। इस ब्रैकेट की अगर मैं बात करूं तो इस ब्रैकेट के अंदर अगर मैं 7 और 2 को, देखिए इंटीजर को अलग कैलकुलेट करिए, फ्रैक्शन को अलग कैलकुलेट करिए, थोड़ा आसान होता है। 7 और 2 को पहले माइनस कर लेते 5 आएगा। 1/6 - 1/3 का मतलब क्या होता है, इसका मतलब 6 LCM लोगे तो 1 - 2 मतलब माइनस का 1/6 होगा। तो इसमें एक्चुअली माइनस का 1/6 है, इसका मतलब क्या है, 5 - 1/6 तो LCM हो जाएगा 6, ऊपर आ जाएगा 30 - 1 मतलब 29। ये है भाई ब्रैकेट का वैल्यू, ठीक। अब इसके बाहर निकलोगे तो यहां पर आ जाएगा प्लस, इसके बाहर निकलोगे तो दूसरा ब्रैकेट आपको यहां दिखाई दे रहा होगा। अब थोड़ा सा ओरली चीजों को समझिएगा कि मैंने आपको बताया इंटीजर को अलग जोड़िए, फ्रैक्शन को अलग जोड़िए। ये 4 और 7 दिखाई दे रहा है, 4 और 7 कितना हो गया, 11 हो गया।
तीन बटे पांच और दो बटे पांच को जोड़ने पर एक आएगा, तो 11 प्लस एक कितना आ गया, 12 आ गया, इस ब्रैकेट के अंदर 12 आएगा। तो इस चीज को आप ओरली भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद समझिएगा कि आगे यहां ऑफ है, मतलब इसका जो ऑफ है ये पहले होगा 5/26 और बाद में ये वाला डिवाइड लगेगा जो कि है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 91+4 मतलब 95/13। तो इसका मतलब ये है कि पहले आपका जो है ये जो है डिवीजन बाद में होगा, बाद पहले मल्टीप्लीकेशन होगा। तो मल्टीप्लाई करोगे तो भाई इसका जो डिवीजन करने पर जो एक्चुअली रिवर्सल होता है ना, वो दोनों में रिवर्सल होगा, मतलब 26/5 दोनों के दोनों नीचे, और यहां कितना आ रहा था 11+1 12 जो है ये नीचे आ जाएगा। तो रिवर्सल जब करना है तो एक्चुअली मल्टीप्लीकेशन पहले करना है, तो ये एक ये 60 पहले बनेगा, बाद में इसका इसका रिवर्सल होगा, ठीक है। चलिए बताइए कितना वैल्यू आएगा अगर हम इसको सॉल्व करें तो 13 का ये दो टाइम कटेगा, दो जो है इसको 6 बार काटेगा, 5 जो है इसको 19 बार काटेगा, मतलब 19/6 + 29/6 तो दोनों को जोड़ दिया जाए तो 19+29/6 आएगा, ठीक है। तो अगर 20 होता तो 49 आना था, लेकिन एक कम है 20 से तो 48 आएगा, 48/6 कितना हो गया तो 8 आ गया, क्लियर है। तो सी जो है सवाल का सही उत्तर हो गया। चलिए आशा करता हूं कि यहां पर ऑफ पहले आता है, डिवाइड बाद में आता है, इसके ऊपर आपको कैसे हैंडल करना है आपको समझ में आ रहा होगा सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस। चलिए अगेन एलजेब्रा में पहले ही वीडियो में मैंने आपको x+1/x वाले फॉर्मेट के ऊपर डिस्कशन कराया है, यहां आप अगर फिर से देखेंगे तो x+1/x वाला जो फॉर्मेट है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं आपके एसएससी के एग्जाम में, ठीक है। चलिए देखिए ये प्रीवियस ईयर सवाल फिर से, इसमें भी आप देख सकते हैं x+1/x का फॉर्मेट, और जैसे ही आपको ये दिया तो आपको क्या करना है x+1/x का वैल्यू लाना है, क्योंकि आपको x2+1/x2 भी चाहिए, x^8+1/x^8 भी आपको चाहिए। तो क्या कर सकते हैं भाई, इसमें अगर x से डिवाइड कर दिया जाए तो x-3+1/x आएगा, करेक्ट, इज इक्वल टू 0 होगा। तो अगर मैं 3 को दूसरी तरफ भेज दूं तो वैल्यू इसका बन जाएगा x+1/x = 3। अगर मैं इसका स्क्वायर करूं तो x²+1/x² आएगा, जो कि होता है 3 का स्क्वायर 9 - 2 = 7, ठीक। ये आपको पता है कि अगर x+1/x का वैल्यू a दिया है, x²+1/x² का वैल्यू जो होता है ये होता है a²-2, ये हमने डिस्कशन किया है पहले, तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 - 2 = 7 हो गया, ठीक। ये क्या हुआ, 3 का स्क्वायर - 2 = 7, तो इसके जगह 7 लिखा जा सकता है। अब x^4+1/x^4 का वैल्यू निकालना है तो हो जाएगा 7² - 2, 7² कितना होता है 49 - 2 = 47। अब देखिए भाई यहां से जो है कैलकुलेशन ट्रिक्स में आपको बता के रखा है मैंने x^8+1/x^8, क्यों बताया था भाई, क्या जरूरत थी वहां पर कैलकुलेशन ट्रिक में आपको स्क्वायर सिखाने का। यहां पर 47 का स्क्वायर निकालना है, तो 47 का स्क्वायर कैसे निकलता है, 50 में 3 कम है, 50 में 3 कम मतलब 25 में 2 कम 22, और यहां पर 3 का स्क्वायर होगा मतलब 09, माइनस का 2 भी करना होगा, 47 का स्क्वायर - 2 तो ये हो जाएगा 7 आ जाएगा यहां पर, 2207। बात समझ में आ रही है कि यहां पर हमने कैलकुलेशन ट्रिक्स में स्क्वायर सीखा है, तो क्यों सीखा है, क्योंकि उसका एप्लीकेशन जो है वो आपके एसएससी के क्वेश्चंस में आते हैं। अब यहां पर x^8+1/x^8 का वैल्यू इतना है, जिसमें आपको 2 गुना करना है, 2 गुना करने का मतलब 4 4 1 4 हो गया, माइनस ऑफ ये 7 है भाई, x²+1/x² का वैल्यू 7 है तो इसकी जगह पे 35 आ जाएगा, 35 तो 14 माइनस करते हैं तो 4400 हो गया, फिर 14 के बाद 21 और माइनस होगा तो 4379, ठीक है 4379, तो ए जो है सवाल का सही उत्तर हो जाएगा, क्लियर है। यहां तक बात समझ में आ रही है कैसे हमको यहाँ x+1/x वाले फॉर्मेट में कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। इसके ऊपर सारे जितने भी पैटर्न बनते हैं x+1/x के फॉर्मेट के, वो मैंने एलजेब्रा के पहले वीडियो में आपके साथ डिस्कशन किया है, उसको देख लेंगे तो कंफर्म आपका 1-2 सवाल जरूर फंसेगा उसमें से। एवरेज मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ द फैमिली वॉज ₹18,600 फॉर द फर्स्ट 3 months, ₹21,750 फॉर द नेक्स्ट 4 months, ₹22,840 ड्यूरिंग द लास्ट 5 months। इफ द टोटल सेविंग्स ड्यूरिंग द ईयर वॉज ₹1,43,020, देन फाइंड द एवरेज मंथली इनकम ऑफ द फैमिली। देखिए भाई थोड़ा सा यहाँ कैलकुलेशन है, लेकिन इसका इतना भी कैलकुलेशन नहीं है कि आप इसको 1 से 1.5 मिनट के अंदर सॉल्व ना कर सके, तो ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, लेकिन आपको यहां पर काम रहना है क्योंकि यहां गलती होने के चांसेस भी होते हैं। क्या क्या चीजें हमें पता होनी चाहिए, देखिए आपको यहां पर एक्सपेंडिचर के ऊपर इंफॉर्मेशन दिया है अलग अलग,
पहले 3 महीने का एक्सपेंडिचर अलग दिया है, अगले 4 महीने का एक्सपेंडिचर एवरेज एक्सपेंडिचर अलग दिया है, उसके बाद वाले का अगले 5 महीने का, मतलब पूरे के पूरे 3+4, 7+5, मतलब 12 महीने का आपका एक्सपेंडिचर दिया है। और सेविंग्स जो है वो एक साथ दे दिया है, सेविंग्स इकट्ठा आपको दे दिया कितना है 143020 डायरेक्टली आपको दे दिया है। ठीक है, आपको जो है इनकम निकालना है और वो भी आपको मासिक आय निकालना है। तो भाई एक चीज तो आप जानते हैं ना कि इनकम बराबर होता है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग्स, होता है कि नहीं होता है। तो इसी चीज पे आपको काम करना है। अब सबसे पहली बात आपको यहां पर दिया है कि यहां फैमिली का मंथली एवरेज एक्सपेंडिचर इतना दिया है। अगर एवरेज इतना है तो 3 महीने का सम जो होगा इसमें 3 गुना करना होगा, मतलब 2 जीरोज लग जाएंगे और 18, 54+1, 55 ये आपका पहले 3 महीने का टोटल एक्सपेंडिचर होगा, क्योंकि भाई सम बराबर होता है एवरेज मल्टीप्लाइड बाय नंबर। तो 3 महीने का एवरेज इतना था तो 3 × एवरेज करोगे तो टोटल खर्चा आ जाएगा पहले के 3 महीने का। ऐसे करके हम तीनों का खर्चा और सेविंग्स को जोड़ देते हैं तो एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग्स करने पर इनकम आ जाएगा। ठीक है, तो टोटल इनकम निकालने की कोशिश करते हैं। ये आपके अगले 4 महीने का है, तो 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 750 में 4 मल्टीप्लाई करने पर 3000 होता है, 84 आ गया। 4 से मल्टीप्लाई करने पर +3 करोगे तो 87 आएगा। इसके बाद अगर हम बात करें तो इसका 5 गुणे करना है, 5 गुणे का मतलब 0 फिर 20, ठीक है, मतलब यहां पर आपका 20 आएगा 0 के बाद, 2 कैरी फॉरवर्ड, फिर आएगा 8 से मल्टीप्लाई करने पर 40, 40+2 यानी 42, ठीक है, 110+4 तो 114 आएगा। ठीक है, अगर मैं इसको जोड़ दूं सभी को, वैल्यूज को अगर मैं जोड़ दूं तो यहां पर 20 अलग आ रहा है, ये आपका 10 बन गया, और ये आपका 7+3 भी 10 होता है, ये 6+4 भी 10 होता है, तो 20 आ गया 2 कैरी फॉरवर्ड, 2+8 हो गया 10, 5+1+4 भी 10 हो गया, 20 हो गया, तो 0, 2 कैरी फॉरवर्ड, 2+1+1 मतलब 4, तो 4,20,000 टोटल कितना आ रहा है 4,00,000, ठीक है, और 20 रुपया। ये तो इनकम है, ईयरली इनकम, लेकिन सवाल में क्या निकालना है, आपको निकालना है मंथली एवरेज इनकम, तो आपको डिवाइडेड बाय 12 करना पड़ेगा, 12 से बांट दोगे तो वैल्यू आ जाएगा कि कितना है। 3 × 36 से जाएगा, 4 रिमाइंडर, तो 3 × 36 फिर 4 रिमाइंडर, 3 × 36 फिर 4 रिमाइंडर तो 42, अब फिर से 3 बार जाएगा, लेकिन अब की बार 6 आ रहा है तो यहां 5 आएगा, 3 3 3 3 3 5, ठीक है, 3 3 3 3 5 जो है इनकम है फैमिली का मंथली इनकम। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहां पर दिया हुआ है कि एक्सपोर्ट ऑफ डायमंड इन रुपीस करोड़ दिया हुआ है 2008 से 2014 तक, ठीक है, आपको क्या बताना है, इन हाउ मेनी इयर्स द एक्सपोर्ट वाज मोर देन द एवरेज एक्सपोर्ट फॉर द गिवन पीरियड। तो सबसे पहली बात भाई, आपको गिवन पीरियड में एवरेज एक्सपोर्ट निकाल लाना चाहिए। कितने ईयर दिया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 वर्ष है, 7 वर्ष का एवरेज आपको निकालना है। एवरेज निकालने के बाद आप यहां पर एवरेज एक्सपोर्ट से कितने नीचे है, कितने वर्षों में उसके नीचे है वैल्यूज, ये आप निकाल सकते हैं। ठीक है, अब देखिए एवरेज कैलकुलेट करना है तो आपको एक चीज देखना होगा कि आप एवरेज कैलकुलेट कैसे करना चाहते हैं, क्या आप सबको जोड़ना चाहते हैं या आप डिविएशन अप्लाई करना चाहते हैं, दोनों आपके ऊपर है। मैं यहां डिविएशन लगाता हूं क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ वैल्यू 10 के नीचे है, कुछ वैल्यू 10 के ऊपर है, ज्यादा वैल्यू 10 के ऊपर है तो 10 से ज्यादा होगा, लेकिन कोशिश करते हैं कि 10 अगर मैं मान लूं कि एवरेज 10 है तो इसके इर्द गिर्द जो डिविएशन है उसके ऊपर हम 7 से बांट देंगे और हम कैलकुलेट करेंगे कि कितना आपका एवरेज निकल रहा है। 7.2, 10 से 2.8 कम है तो 2.8 माइनस का हो गया, ठीक, 8.5 इससे 1.5 कम है तो माइनस का 1.5, 9.8 इससे 0.2 कम है तो माइनस 0.2, 10.9 इससे 0.9 ज्यादा है तो 0.9 आ गया, ठीक, 11.8 इससे 1.8 आ गया तो 1.8 आ गया, ठीक है, 11.5 जो है आगे है 1.5 टाइम्स, ठीक है, और 12.4 जो है इससे आगे 2.4 टाइम्स। तो अब देखिए भाई इसका वैल्यू कितना आएगा, देखिए कुछ चीजें डायरेक्टली कट जाती है, जैसे कि ये 1.5 प्लस में 1.5 माइनस में दोनों कट जाएगा। अब थोड़ा सा सोचिएगा कि कैसे हम इसका कैलकुलेशन करें, इन दोनों को जोड़ने पर -3 बन रहा है, कितना बन रहा है -3, और -3 को इससे हम काट दे तो -0.6 बनेगा, -0.6 0.3 से 9 से काटोगे तो प्लस का 0.3 बचेगा, 0.3 को इस पे जोड़ने पर प्लस का 2.1 बचेगा, मतलब जो नेट डिविएशन बन रहा है वो यहां पर कितने का बन रहा है तो प्लस का 2.1 बन रहा है, 2.1 जो है इसको 0.3 टाइम्स काटेगा, मतलब जो एवरेज है वो कितना है 10 + 0.3 मतलब 10.3 इज द करेक्ट एवरेज। ठीक है, तो 10.3 जो है ये एवरेज हो गया। अगर 10.3 एवरेज है, आपको क्या बताना है भाई कि यहां पर कितने वर्ष जो है उसके नीचे था वैल्यू,
तो 10.3 बताइए कहाँ है। 10.3 जो है यहाँ कहीं पे रहेगा, इससे ऊपर और इससे नीचे। तो इसके नीचे जो है एक वैल्यू ये है, एक वैल्यू ये है, एक वैल्यू, तीन वैल्यूज ऐसे हैं, ठीक है। तो कितने वर्ष जो एक्सपोर्ट आपसे यही पूछ रहा था, इन हाउ मेनी इयर्स वाज द एक्सपोर्ट मोर देन द एवरेज ऑफ द गिवन पीरियड। अच्छा, मोर देन पूछा था, तो इससे ज्यादा कब कब था, तो चार वर्ष ऐसे थे। कम नहीं पूछा था, ज्यादा पूछा था। कितने वर्ष ऐसे थे जिनमें दी गई अवधि में औसत निर्यात जो है अधिक निर्यात, औसत निर्यात से अधिक निर्यात हुआ। तो औसत निर्यात हमने निकाला 10.3, इसके ऊपर देखा जाए तो एक दो तीन चार वर्ष ऐसे है जो कि इसके ऊपर है। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन के ऊपर, यहां पर दिया हुआ है एंगल बी जो है 90 डिग्री का, ए बी बराबर 21, बी सी बराबर 20 है। एक प्लस साइन ए माइनस कॉस ए डिवाइडेड बाई एक प्लस साइन ए प्लस कॉस ए का वैल्यू आपको निकालना है। तो आइए सॉल्व करने की कोशिश करते हैं यहां पर, ठीक। तो जो वैल्यूज दिए हुए हैं उसके तहत इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहली बात, आपको क्या क्या चीजें दी हुई है। सबसे पहले आपको डायग्राम कंप्लीट करना होगा, डायग्राम नहीं दिया है तो डायग्राम कंप्लीट करना अनिवार्य हो जाता है। तो ए बी सी इस तरीके से मैं बना देता हूं, जिसमें एंगल बी का वैल्यू है 90 डिग्री, मतलब हम यहां पर राइट एंगल ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। चलिए ए को नीचे बना लेते हैं, थोड़ा और आसान रहेगा समझने के लिए। तो ये ए बन जाता है यहां पर ए, और बी यहां पर, अच्छा सी यहां पर रहेगा क्योंकि ए बी सी है 90 डिग्री। बी सी का वैल्यू 20 है, AB का वैल्यू 21 है। तो 20 के साथ जब 21 मिल जाता है तो ट्रिपलेट वैल्यू में 29 आता है, ये आप लोग जानते हैं, मतलब AC जो है 29 होगा। अगर आपको ये बात नहीं पता है तो आपको यहां पर पूरा का पूरा जो हाइपोटेन्यूज है वो कैलकुलेट करना पड़ेगा, लेकिन जब हमें पता है कि 20 21 29 एक ट्रिपलेट होता है तो डायरेक्टली 20 21 के बाद आपका 29 वैल्यू आ जाएगा। जैसे ही इतना हो गया तो आपको समझना है कि A के तहत, यहां A के तहत जो है साइन A का वैल्यू जो है परपेंडिकुलर बाय बेस होता है, तो 20 डिवाइडेड बाय 29। और कॉस ए की बात करें तो कॉस ए होता है बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, तो 21 डिवाइडेड बाय 29 आएगा। क्लियर है? तो ये साइन ए हो गया और ये कॉस ए हो गया। यहां से आपको समझना है कि 1 माइनस साइन ए, तो 1 माइनस 20 बाय 29, 1 प्लस 20 बाय 29, माइनस ऑफ यहां कॉस ए आएगा तो 21 बाय 29 आएगा, डिवाइडेड बाय 1 प्लस 20 बाय 29 प्लस 21 बाय 29, यही वैल्यू आएगा, ठीक है। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो 29 कटना ही है वैल्यू, ठीक है। तो ऊपर देखा जाए तो ये 29 आएगा यहां पर, प्लस का 20 माइनस का 21 मतलब माइनस एक, यहां पर 29 प्लस 21 प्लस इतना आएगा, तो 29 प्लस 21 होता कितना है, ठीक है 50 होता है, प्लस 20 करोगे तो 70, ऊपर आ रहा है 28, ऊपर कितना आ रहा है 28 आ रहा है। तो अगर इसको हम 14 से काटे तो ऊपर 2 आएगा नीचे 5 आएगा, 2/5 जो है सवाल का सही उत्तर होगा, ठीक है। तो बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्लियर यहां तक? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल नंबर 19। देखा जाए तो यहां पर sec थीटा का वैल्यू दिया है, तो आपको cosec थीटा माइनस cot थीटा का वैल्यू निकालना है। तो बताइए भाई, इस क्वेश्चन में तो कुछ भी दम नहीं है, डायरेक्टली आपको यहां थीटा दिया है, और sec थीटा का मतलब हाइपोटेन्यूज होता है 65 डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर होता है जो कि यहाँ, सॉरी बेस होता है जो कि यहाँ पर 63 होगा। तो अगर ये ट्रायंगल एबीसी है तो इसका बेस 63 होगा और हाइपोटेन्यूज 65 होगा, और 63-65 देखते साथ समझ में आता है 16, 63 और 65, ये आपका ट्रिपलेट सेट करके रखा है, तो एबी का वैल्यू जो है 16 हो जाएगा। तो यहां से जब सॉल्व करना है तो किसका वैल्यू निकालना है, आपको 8 कोसेक थीटा चाहिए। कोसेक थीटा का मतलब क्या होता है, हाइपोटेन्यूज डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर, तो आ जाएगा 65 डिवाइडेड बाय 16। माइनस किसको करना है, कॉट थीटा को, तो कॉट थीटा होता है भाई बेस डिवाइडेड बाय बेस डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर, मतलब 63 डिवाइडेड बाय 16। तो अगर हम दोनों को माइनस करें तो आ जाएगा 8 मल्टीप्लाइड बाय 2 डिवाइडेड बाय 16, 2 गुणे 8 जो होता है 16 होता है, तो यहां पर 1 जो है इसका आंसर हो जाएगा। ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहां पर दिया है वर्किंग टुगेदर ए बी सी कैन फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 3 आवर्स, ए फिनिश द सेम वर्क इन 8 आवर्स, बी फिनिशेस इट इन 6 आवर्स, हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर सी अलोन टू फिनिश द सेम वर्क। तो बहुत सिंपल सा सवाल दिया है, यहां पर कुछ करना नहीं है, डायरेक्टली आपको लिखना है ए बी सी जो है आवर्स में जब काम करते हैं तो ए बी सी को 3 घंटे लगते हैं, ए को अकेले काम करने में 8 घंटे लगते हैं, सी को अकेले, अच्छा बी को अकेले काम करने में 6 घंटे लगते हैं, ठीक। तो इसका एलसीएम जो है वो हो जाएगा 24 यूनिट्स, ये आपका वर्क बन गया। एफिशिएंसी की बात करें तो यहां ए बी सी कंबाइंड जब काम करते हैं तो 8 यूनिट काम होता है एक एक घंटे में, ए अकेला काम करता है तो 8 से डिवाइड करोगे तो यहां पर ए का जो एफिशिएंसी है वो 3 का बन जाएगा, बी अकेला काम करता है तो 24 बटे
छह करोगे तो चार आएगा, ये बी की एफिशिएंसी बन जाएगी। तो ए की एफिशिएंसी तीन है, बी की एफिशिएंसी चार है, तो इसके तहत सी की एफिशिएंसी क्या हो गई, इसमें तीन प्लस चार करोगे तो सात आएगा, आठ माइनस सात मतलब एक यूनिट की एफिशिएंसी है सी की। तो टाइम जो सी को लगता है वो है वर्क डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी। टाइम निकालना है तो हमेशा हमारे पास दो चीजें होनी चाहिए, एक है वर्क, दूसरी है एफिशिएंसी। वर्क कितना है 24, एफिशिएंसी कितनी है 1, तो 24 डिवाइडेड बाय 1 कर लीजिए, मतलब 24 घंटा जो है इसका उत्तर हो जाएगा। ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, क्लियर। चलिए पांच सवाल और देखेंगे, यहां पर 25 सवाल है टोटल। यहां पर दिया है हिस्टोग्राम जिसमें कि आपके वैल्यूज दिए, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हिस्टोग्राम दिया है, मार्क्स ऑब्टेन बाय स्टूडेंट्स इन एन एग्जामिनेशन एंड आंसर द क्वेश्चन, ठीक है। तो यहां दिया है कि 150 से 200 मार्क्स के बीच में 30 बच्चे हैं, 200 से 250 के बीच में 45 बच्चे हैं, और 250 से 300 के बीच में 60 बच्चे हैं। इस तरीके से आपको हिस्टोग्राम रीड करना होता है। अब सवाल क्या दिया है, बाय व्हाट परसेंटेज दिया है, बाय व्हाट परसेंटेज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु ऑब्टेन्ड द मार्क्स बिटवीन 200 एंड 300। तो 200 और 300 के बीच में जो मार्क्स ऑब्टेन किया जिन लोगों ने, जो कि टोटल कितना आ रहा है, 105 आ रहा है, ठीक इज मोर देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु ऑब्टेन्ड द मार्क बिटवीन ऑब्टेन्ड 350 और मोर मार्क्स। तो 350 से ज्यादा ये वाला लाइन है, तो 750। तो आपको बताना क्या है यहां, बाय व्हाट परसेंटेज ज्यादा आया, तो आप खुद बताइए कि यहां अगर आप देखेंगे तो 30 ज्यादा आ रहा है। परसेंटेज की रिफरेंस हमेशा इनिशियल वैल्यू पे होती है, तो इससे ज्यादा पूछा तो 30 इसका कितना परसेंटेज है यही आपको निकालना है। तो 30 डिवाइडेड बाय 75 मल्टीप्लाइड बाय 100, तीन से काटोगे तो 10 आएगा, तीन से काटोगे तो 25 आएगा, 25 जो है इसको चार बार काटेगा मतलब कितना, तो 40 परसेंटेज, मतलब बी जो है सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। यहां तक क्लियर है बातें, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे दिया हुआ है कि अगर x माइनस वाई बराबर जेड है और आपको निकालना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाय वाई स्क्वायर प्लस एक्स जेड, इसका वैल्यू आपको निकालना है। तो देखिए यहां इक्वेशन एक है, वेरिएबल तीन है, ये तो बहुत नाइंसाफी है, आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते। तो आपको पता है कि जब भी ज्यादा, मतलब कि इक्वेशन से ज्यादा वेरिएबल है, तो नंबर ऑफ वेरिएबल माइनस नंबर ऑफ इक्वेशन, इतने वैल्यूज को आप कुछ भी मान के सॉल्व करेंगे आंसर सेम आएगा। तो यहां पर आपको कुछ इस तरीके से वैल्यूज मानने हैं कि वैल्यू 0/0 ना हो, इनफाइनाइट ना हो, इस तरीके से वैल्यूज मानने हैं। तो मैं अगर z को 0 ले लूं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, दिख रही, तो मैं यहां z को 0 ले लेता हूं। z को जैसे ही 0 लिया जाएगा तो x इज इक्वल टू y आ जाएगा, तो मैं अगर y को 1 ले लूं तो ऑटोमेटिकली x भी 1 हो जाएगा, जो कि इक्वेशन से आएगा, ठीक। तो z 0 मतलब ये 0, ये भी 0, x का वैल्यू 1 है, y का वैल्यू भी 1 है, डिवाइडेड बाय 1 इंटू 1 है, तो 1 आएगा, मतलब 2 जो है सवाल का सही उत्तर है। जब भी इक्वेशन से ज्यादा नंबर ऑफ वेरिएबल्स होते हैं तो ये सॉल्व नहीं किया जा सकता, लेकिन अगर एग्जामिनर इसके बावजूद आपसे सवाल पूछ रहा है तो जितने इक्वेशन और वेरिएबल्स है, वेरिएबल्स का डिफरेंस जितना आया इक्वेशन से, जितने एक्स्ट्रा वेरिएबल्स दिए उतने आप वैल्यूज को मानेंगे, और तीसरा जो वेरिएबल आया उसको आपको इक्वेशन से निकालना होगा। ऐसे कंडीशन में वैल्यू पुटिंग यूज होता है, ये मैंने आपको बताया है और इसके ऊपर हमने क्वेश्चंस भी देखा है। आशा करता हूं ये अलजेब्रा से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे वैल्यू पुटिंग से, वो आपसे जरूर बनेंगे। चलिए अब देखते हैं अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर दिया हुआ है, ठीक है। द गिवन बार ग्राफ इंडिकेट्स द प्रोडक्ट प्रोडक्शन ऑफ शुगर इन लैक टन्स बाय 3 डिफरेंट शुगर कंपनीज PQR फ्रॉम द ईयर 2015 टू 2019। स्टडी द बार ग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चन। तो यहां पर आपको क्या दिया हुआ है, तीन कंपनी है PQR, ये कितना शुगर प्रोड्यूस करती है 2015 से 19 से दिया हुआ है, ये लाख टन में है। 2015 की बात करें तो पी ने 80 लाख टन यहां पर प्रोड्यूस किया है, क्यू ने यहां 60 लाख टन प्रोड्यूस किया है, और आर ने यहां पर 50 लाख टन यूज किया है, ठीक है, यानी कि प्रोड्यूस किया। तो यहां 15, 16, 17, 18, 19, ठीक है, इस वर्षों का यहां पर डेटा दिया हुआ है। अब यहां से सवाल क्या है बताइए, सवाल पूछ रहा है परसेंटेज इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ शुगर बाय कंपनी पी इन 2019 एज कंपेयर टू 2015। तो 2019 का डेटा चाहिए पी का, तो पी मतलब ब्लू वाला, 2019 में देखा जाए तो 120 यहां पर है, एज कंपेयर टू 2015 तो 2015 में यहां पर 80 है, तो इंक्रीमेंट कितने का हुआ, आप कहोगे सर 40 का इंक्रीमेंट हुआ, 80 जो है बढ़कर कितना हुआ, 120 हुआ। तो मौखिक तरीके से आप कह सकते हैं कि 80 जो है ये बढ़ रहा है 40 से,
मतलब 40/80 मल्टीप्लाइड बाय 100 करेंगे तो आधा आ रहा है, आधा वैल्यू का मतलब होता है 50% इंक्रीमेंट, मतलब कि 50% यहां पे प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है। सवाल का सही उत्तर जो है वो होगा ए। यहां तक क्लियर, बातें समझ में आ गई, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, अ ट्रक कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट अ सर्टेन स्पीड, इफ द स्पीड इज डिक्रीज्ड बाय 8 किलोमीटर पर आवर इट वुड टेक 2 आवर्स मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। 50% ऑफ इट्स ओरिजिनल स्पीड क्या होगा आपको निकालना है, ठीक है, ये ऑफ होगा 50% ऑफ इट्स ओरिजिनल स्पीड। मतलब देखिए आपको जो ऑप्शन दिया है ना, इस ऑप्शन में आपको 50% दिया है उसके ओरिजिनल स्पीड का, तो अगर मुझे 100% वैल्यू चाहिए, 100% उसके ओरिजिनल स्पीड का चाहिए, तो ये तो 50% वैल्यू दिया है ऑप्शन में, उसके मूल चाल का 50% यहां पर ज्ञात करना है हमें। तो पहले मैं क्या करूंगा, ऑप्शन के ही जरिए हम इस तरीके के प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। इसका 50% इतना है तो 100% हो जाएगा 40। अगर 40 इसका 50% है 100% 80 होगा, अगर 48 इसका 50% है तो 100% 96 होगा, 24 इसका 50% है तो 100% 48 होगा। अब सवाल में देखिए क्या दिया हुआ है, सवाल में दिया हुआ है कि अगर आपको 480 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करना है, ठीक है, 8 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से अगर इसको कम किया जाता है तो टाइम जो है वो 2 घंटे ज्यादा लगता है। मान लेते हैं स्पीड एक्चुअल एस है, तो 8 किलोमीटर जब कम करेगा तो स्पीड एस माइनस 8 होगा, होगा कि नहीं होगा। टाइम बराबर होता है भाई डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड, तो इस कंडीशन में इसे जो टाइम लग रहा है वो 8 घंटे ज्यादा लग रहे, तो यहां जो टाइम लगा वो कितना होगा, 480 डिवाइडेड बाय एस माइनस 8 माइनस, यहां जो टाइम लगा वो कितना होगा, 480 डिवाइडेड बाय एस, बराबर किसके है, तो बराबर है भाई 2 घंटे के। अब देखिए यहां से आप थोड़ा स्मार्ट रहिए, यहां आपको पूरा क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना है, जब हमने देखा 100% वैल्यू है, डायरेक्ट उस ऑप्शन पे आप अटैक करिए जो यहां 8 से घटाने पर और ओरिजिनल वैल्यू पर रहने पर इस 480 को काटे और यहां पर डिफरेंस जो है आपका 2 घंटे का दे। तो मेरे दिमाग में वैल्यू चल रहा है 48 को चेक करने का, तो 48 को अगर चेक करोगे तो ये बन जाएगा 40 और ये बन जाएगा आपका 48। और जैसे ही आप ऐसा करते हैं तो देखिए ये इसको काटेगा 12 बार, ये इसको काटेगा 10 बार, तो 12 - 10 कितना हुआ, 2 घंटे हुआ कि नहीं, यहां पर भी 2 घंटे, यहां पर भी 2 घंटे, ठीक है। तो यानी कि 48 जो है ये 100% स्पीड है, आपसे सवाल में 50% स्पीड पूछ रहा था, तो डी जो है सवाल का सही उत्तर होगा 24, ठीक है। तो जब भी डिफरेंस इन वैल्यूज दिया रहता है तो वहां आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनता है, लेकिन पूरा का पूरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्यों सॉल्व करना है, जब ऑप्शन हमें दिया है तो उसका यूज करना सीखिए, ठीक है, इसी से आपका टाइम बचेगा इस तरीके के प्रश्न में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक्स की घात 4 प्लस 1/x की घात 4 जो है 6887 है, एक्स माइनस 1/x का वैल्यू आपको निकालने को बोला गया। अब देखिए क्या यूज करना है, हम ये बात जानते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर अगर a दिया है तो x प्लस 1/x का वैल्यू होता है स्क्वायर रूट ऑफ a प्लस 2 और x माइनस 1/x का वैल्यू होता है स्क्वायर रूट ऑफ a माइनस 2, ये सब हम जानते हैं, करेक्ट, तो उसी का यूज करना है यहां पर। अगर x के घात 4 प्लस 1/x की घात 4 दिया है तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर क्या होगा, ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 6887 प्लस 2, 6887 प्लस 2 का मतलब यहां पर जो वैल्यू आएगा ये आ जाएगा 9। अब बताइए भाई इसका स्क्वायर रूट क्या है, इस 89 को देखते साथ याद आता है 289 और 289 क्या है, 17 का स्क्वायर है, और अगर मैं 100 - 17 करूं तो 100 - 17 क्या आएगा, तो 683 आएगा। क्या 83 का स्क्वायर ये नहीं है, क्योंकि देखिए 83 का स्क्वायर करोगे तो क्या आता है वैल्यू, यहां पर 83 का माइनस का 17 करना पड़ता है और आगे 17 का स्क्वायर लिखना होता है, तो यहां 17 को अगर माइनस करोगे तो कितना आएगा, तो भाई यहां पर वैल्यू आएगा आपका 60, ठीक है 60, और यहां पर 66 आएगा, लेकिन यहां क्योंकि 289 आता है तो 89 का 2 जो है आगे आ जाता है और इसको 68 बना देता है, मतलब ये जो वैल्यू है ये 83 का परफेक्ट स्क्वायर है, मतलब इसका जब स्क्वायर रूट लिया जाएगा तो ये बन जाएगा 83। कैलकुलेशन का ट्रिक्स के पहले ही वीडियो में मैंने आपको स्क्वायर सिखाया है, तो स्क्वायर सिखाने का मकसद यही था कि इतने बड़े बड़े नंबर्स का जब स्क्वायर रूट निकालने की बारी आती है
तो वहां आपको एक ही चीज बता सकता है जो कि है कैलकुलेशन ट्रिक। कैलकुलेशन ट्रिक का डायरेक्ट सवाल नहीं आता एग्जाम में, लेकिन कैलकुलेशन ट्रिक्स सीखे बगैर अगर आप एसएससी सीएचएसएल का एग्जाम देने जाएंगे तो इसी वीडियो में मैंने आपको दो सवाल ऐसे दिखा दिए जहां पर आपका स्क्वायर यूज हो रहा है। 47 का स्क्वायर भी निकालना था, यहाँ 6887 प्लस 2 करोगे 6889। अब यहाँ पे आप कैलकुलेशन करते रह जाओगे 5 मिनट 10 मिनट तक कि स्क्वायर किसका है तो कैसे होगा। इसलिए कैलकुलेशन ट्रिक को ही मैंने सबसे पहले आपको सिखाया है पूरे के पूरे वीडियो सीरीज में, एक बार जरूर देखना प्लेलिस्ट में जाके, ठीक है। अब देखिए यहां से अगर आपको एक्स माइनस 1 बाय एक्स निकालना है तो मैंने कहा कि भाई अगर एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर है, स्क्वायर को कम किया आधा किया पावर तो a प्लस 2 का स्क्वायर रूट। लेकिन अगर आपको यहां से डायरेक्टली इस पे आना है तो क्या करना पड़ता है, तो इसका वैल्यू होता है भाई a माइनस 2 का स्क्वायर। तो a माइनस 2 मतलब 83 माइनस 2 करोगे 81 का स्क्वायर रूट, जो कि क्या होता है 9 होता है। सवाल का सही उत्तर क्या होगा, 9 हो जाएगा, d इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अब देखिए यहां पर अब मैं इस वीडियो को रोकता हूं, ठीक है। प्रैक्टिस सेशन का डिजाइन कुछ इस तरीके से किया गया था कि जितने भी प्रैक्टिस सेशन हम डिस्कस करेंगे, दो मॉडल पेपर एसएससी सीजीएल का, दो मॉडल पेपर एसएससी सीएचएसएल का हम डिस्कस करेंगे। ये जो प्रैक्टिस सेशन की सीरीज है, इससे मैं ये उम्मीद करता हूं कि आपका जो एग्जाम में क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है, टाइम लगा के जब हम सॉल्व कर रहे हैं तो हमारे साथ जो क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व क्यों नहीं हो रहे, ये सारी चीजें जो कमजोरियां हैं आपकी वो आइडेंटिफाई हो रही होगी, किस तरीके से हमें क्वेश्चंस को डील करना है ये आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। चलिए इन्हीं कुछ बातों के साथ अब मैं इस वीडियो को रोकता हूं। चार प्रैक्टिस सेशंस जो हमने प्रीवियस ईयर के ले लिए, कुछ मॉडल पेपर्स अब हम अपने क्रिएटेड आपके साथ डिस्कस करेंगे आने वाले हफ्ते से। थैंक यू सो मच, इस वीडियो में इतना ही।